उत्तराखंड स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इन दिनों काफी चर्चा में हैं और इनके एक बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। शंकराचार्य का कहना था कि हम पुण्य व पाप में भरोसा करते हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, विश्वासघात सबसे बड़ा पाप होता है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है जिससे वो दुखी हैं और जब तक वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक हमारा दुख दूर नहीं होगा। इनके इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग मोड़ ले लिया है, लेकिन इसी बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर भी लोगों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां तक कि ये मामला कोर्ट में भी जा पहुंचा है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से समझाते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त के सबसे बड़े मुद्दे की जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। शंकराचार्य का एक बयान उन पर इतना भारी पड़ गया है कि हर कोई उनकी निंदा करने लगा है, यहां तक कि उनके शंकराचार्य होने पर भी उंगली उठाई जा रही है। ऐसे में अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर कुछ और नए विवाद गहरा गए हैं। कहा जा रहा है कि उन पर कई आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। खबरें हैं कि ये फरार हैं और इनके संपत्ति के कुर्क के आदेश निकाले जा चुके हैं। दरअसल 5 अक्टूबर 2015 को काशी में इनकी अगुवाई में टाउन हॉल से लेकर दशाश्वमेध मार्च निकाला गया था। इस दौरान गदोई चौराहे के पास मची भगदड़ के बीच उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था और पुलिस बूथ के साथ ही सरकारी जीप में आग लगा दी थी। पुलिस पर पथराव भी किया गया था और पेट्रोल बम तक फेंके गए थे। पब्लिक की बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस नेता अजय राय के साथ ही उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके चलते उन्हें अदालत में कई बार हाजिर होने के लिए भी कहा गया, लेकिन ये हाजिर नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस नेता अजय राय अदालत में हाजिर हुए, लेकिन अन्य संतों समेत 25 आरोपी कई तारीखों के बाद हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने इन्हें फरार घोषित करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर संपत्ति कुर्की के आदेश दिए थे। इसके अलावा स्वामी जी पर मूर्ति तोड़ने का भी आरोप है। इन पर आरोप है कि एक काशी के एक महादेव मंदिर में दर्शन करने गए और जब बाहर निकले तो वहाँ साई बाबा की मूर्ति खंडित पाई गयी। चूँकि ये साई बाबा के घोर विरोधी है, इसलिए आरोप इन्ही पर लगा और इनके साथ इनके शिष्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हाल ही में ये तब चर्चा में आए जब इन्होंने नव निर्मित राम मंदिर का विरोध किया और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए भी उसका विरोध किया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि मंदिर में अगर प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए, अगर चबूतरे पर प्रतिष्ठा हो रही है तो चबूतरा पूरा बना होना चाहिए। यही इतनी सी बात कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही क्योंकि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं कि गर्भगृह तो बन गया है, बाकी भले नहीं बना हो। अधिकतर लोग समझते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जबकि ऐसा नहीं है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। स्वामी ने कहा, मंदिर भगवान का शरीर होता है, उसके अंदर की मूर्ति आत्मा होती है। मंदिर का शिखर भगवान की आँखें हैं, कलश भगवान का सिर है और मंदिर में लगा झंडा भगवान के बाल हैं। बिना सिर और आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है, यह हमारे शास्त्रों के खिलाफ है।